Hello students, you are welcome in SBN online class. Today we are going to study about conditional sentence. जैसा कि आपको heading से दिख रहा है कि ऐसा वाक्य जिसके अंदर कोई condition दी गई हो, और साथ में उस condition का result दिया गया हो, तो ऐसे वाक्य जिसमें कोई कंडीशन को एक्सप्रेस किया जाता है और साथ साथ दूसरे उसके हिस्से में उस कंडीशन के परिणाम को भी दिखाया जाए, ऐसे वाक्य जो हैं वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। हिंदी में उनको सशर्त वाक्य के नाम से भी जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, If you come here, यदि आप यहाँ आते, I will help you, मैं आपकी मदद करता। अब देखिए इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। एक तो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो किससे जुड़ा हुआ है, इफ से जुड़ा हुआ है, और दूसरा सेंटेंस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, और दोनों एक ही वाक्य हैं, ये कोमा से जुड़ा हुआ है। तो देखिए किसी भी कंडीशनल सेंटेंस के पार्ट जो होते हैं वो दो होते हैं, पार्ट्स ऑफ ए कंडीशनल सेंटेंस, यानी शर्तशुदा वाक्य के भाग जो होते हैं वो दो होते हैं। ये वाला भाग, इसको इफ क्लॉज बोलते हैं, या इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, और इधर वाले को मेन क्लॉज बोलते हैं, एन क्लास बोलते हैं, या इसको प्रिंसिपल क्लास भी बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो हाँ, कई वाक्यों के अंदर जो है मेन क्लोज शुरू में आ जाता है, इफ क्लोज या सबोर्डिनेट क्लोज को बाद में भी रख दिया जाता है, जिससे वाक्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ये वाला मेन क्लोज जो इधर आ जाए और ये क्लोज इधर आ जाए तो वाक्य सेम ही रहेगा, उसके अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए इफ क्लोज के अंदर, वाक्य के अंदर एक कंडीशन दी गई होती है जिस कंडीशन के ऊपर बेस्ड ये दूसरे वाला सेंटेंस जो है वो निर्भर रहता है, यानी ये डिपेंडेंट क्लोज भी इसको आप कह सकते हैं, यानी कि इस कंडीशन को जब तक नहीं बताओगे तब तक ये वाला वाक्य अपना पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं कर सकेगा। इस प्रकार से इसे डिपेंडेंट सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस के प्रकार देखते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, ओपन कंडीशनल सेंटेंस, दूसरा होता है इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस, और तीसरे प्रकार में आता है इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस।
जैसा कि इस भाग के अंदर हम बात करें, यानी इस कैटेगरी के सेंटेंस की बात करें, तो जैसा नाम से विदित हो रहा है ओपन कंडीशनल, तो इसमें जो कंडीशन दी गई होती है वो बिल्कुल ओपन होती है। तो इस यहाँ कंडीशन जो है ओपन दी गई है, तो उसका परिणाम भी जो होगा वो भी ओपन होगा। जैसे आप पढ़ते हो तो पास होगे, तो ये खुली कंडीशन है। जहर, यदि आप जहर खाते हैं तो आप निश्चित तौर पर मरेंगे, तो यहाँ पर कंडीशन कैसी है? ओपन है। और दूसरे में हम देखते हैं इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन से अभिप्राय यह है ऐसे वाक्य जिनके अंदर कोई काल्पनिक शर्त दी जाती है। जब शर्त कंडीशन ही भी यहाँ काल्पनिक दी गई है, तो उस कंडीशन का रिजल्ट जो होगा वो भी क्या होगा? इमेजिनरी होगा, वो भी काल्पनिक होगा। जैसे कोई ये कहे भाई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता आई वुड हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करता, लेकिन मैं राजा नहीं हूँ तो इसलिए मदद भी नहीं है, तो मैंने कल्पना की है। जैसे कि यदि आप कल आते तो स्वादिष्ट व्यंजन का आप स्वाद ले पाते, लेकिन आए नहीं तो स्वाद भी नहीं ले पाए, तो इसमें केवल कल्पना की जाती है। और अब बात करते हैं इम्पॉसिबल कंडीशनल। इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इम्पॉसिबल कंडीशन रखी जाती है जिसके होने की संभावना बहुत कम होती है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि यदि मेरे पंख होते तो मैं आकाश में उड़ता। अगर मैं भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर होता तो मैं भी अंगुली पे पर्वत उठा लेता। ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, तो इनको हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं। हाइपोथेटिकल कंडीशन भी बोलते हैं, जिसको कोरी कल्पना कहा, हाइपोथेटिकल कंडीशनल भी बोलते हैं। तो देखिए, क्लास 9th में, 10th में और 11th में इस तरह के वाक्यों के ऊपर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, या क्लोज जो टॉपिक है उसके तहत भी ऐसे वाक्य को पूछा जाता है। रीऑर्डरिंग का जो सेंटेंस की रीऑर्डरिंग होती है, उसके अंदर भी इस प्रकार के वाक्य को पूछ लिया जाता है। तो हमें इससे अच्छी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी कंडीशनल सेंटेंस के दो भाग होते हैं, यानी दो क्लॉज होते हैं। एक तो इफ क्लॉज, जिसको साथ इफ लगा होता है। कभी कभी हम देखते हैं इफ के साथ अनलेस भी लगा होता है। इफ के साथ क्या लगा होता है? अनलेस भी लगा होता है। कभी कभी इफ के स्थान पर हैड आ जाता है, तो भी हमें यही समझना चाहिए कि हियर इज द गिवन सेंटेंस बिलोंग्स टू ए कंडीशनल सेंटेंस कैटेगरी में ये आता है। अब हम बात करते हैं इफ क्लॉज के अंदर क्या होता है, उसका भी अपना एक सब्जेक्ट होता है, और उधर मेन क्लॉज के अंदर भी या प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर भी उसका एक अपना सब्जेक्ट होता है। तो कभी कभार सेम सब्जेक्ट दोनों तरफ आ जाते हैं तो कोई बात नहीं है, कभी दो अलग अलग सब्जेक्ट, यानी इफ क्लॉज का अलग सब्जेक्ट होता है और इधर मेन क्लॉज का सब्जेक्ट जो है अलग होता है। तो एग्जाम के अंदर एक तो अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरवाता है तो इधर वाले कॉलम, यानी इस पार्ट के अंदर जो है वर्ब दी गई होती है, तो उसके मेन क्लोज को देख करके हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरा, एग्जाम के अंदर कई बार जैसे 9th क्लास में, 10th में, 11th में मॉडल एक्सिलरी जो हैं, मॉडल्स जो होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न जब पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर आपको एप्रोप्राइट मॉडल जो है उसको भरना होता है। तो आप इधर वाले, यानी इफ क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज के टेंस को देख करके आप उपयुक्त मॉडल का यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। यानी यहाँ पर इस इफ क्लोज के अंदर दिए गए टेंस को देख करके आप उपयुक्त मॉडल इसमें भर सकते हैं। तो इस प्रकार हम एक एक के ऊपर बात करते हैं।
ओपन कंडीशनल सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे मान लेते हैं इसके दो भाग होते हैं, एक तो इफ क्लॉज, सीधी भाषा में देखें तो वो इफ लगा हुआ वाक्य के ओपन कंडीशनल का इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, जैसा कि बताया था, यानी इफ क्लॉज जो है ये है और इसका सबॉर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज जो है या प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो ये है। तो आपको याद रखना के ओपन कंडीशन में, कौन से कंडीशनल सेंटेंस में, ओपन कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इफ क्लॉज में इफ के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस को भरते हैं, यानी जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ईएस मिलेगा यहाँ, और अगर प्लूरल है तो हमें यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ये एक स्ट्रक्चर हो गई। तो इधर क्या होगा, यानी इस वाले भाग में क्या होगा, यहाँ भी कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होगा इस प्रिंसिपल क्लोज का, तो उसके बाद क्या करेंगे, अपन मॉडल का प्रयोग करते हैं, विल भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, शैल भी आ सकता है और मे भी आ सकता है। तो देखिए इनमें से कोई सा भी मॉडल आ सकता है। अगर विल भरेंगे तो थोड़ा सा किस मेन क्लोज के सेंटेंस के जो है मूड के अंदर उसकी मनोदशा में थोड़ा चेंज आ सकता है, तो ये यानी वाक्य तो सेम अर्थ देगा लेकिन थोड़ा सा उसके मूड में जो है वो चेंज आ सकता है इनको अलग अलग लगाने की वजह से, लेकिन किसी को भी लगा करके हम इस वाक्य को सही कर सकते हैं। और इनके साथ जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, मॉडल एक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यदि हमें जैसे कि इसमें इधर विल मिला है तो इधर अगर वर्ब भरनी हो या इस कंडीशनल को पूरा करना हो तो देखो यू प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब की कौन सी फॉर्म दी है, फर्स्ट फॉर्म दी है, तो इस टेंस को देखकर आप उपयुक्त मॉडल विल लगा सकते हैं या विल को देख करके आप प्रेजेंट सिंपल टेंस लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये ओपन कंडीशनल सेंटेंस होता है। अब हम देखते हैं इमेजिनरी कंडीशनल में क्या होता है, इसका भी अपना एक इफ क्लोज होता है और इसका भी अपना एक मेन क्लोज होता है। तो ये कैसे बना हुआ होता है वाक्य में हम देखते हैं। तो इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस के वाक्य में इफ क्लोज यानी इफ के बाद सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड इन इफ क्लोज, यानी ये वाक्य जो है वो कौन से का होगा, पास्ट का होगा। तो इधर वाले वाक्य में यानी मेन क्लोज के अंदर क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें विल का क्या हो जाएगा, वुड, सेल का क्या भरना होगा, शुड, कैन का क्या भरना होगा, कुड, और मे का क्या भरना होगा, माइट, और इसके साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज हियर। इस प्रकार से एक इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस पूरा होगा। तो यदि आपको यहाँ इस कंडीशनल के सेंटेंस के अंदर उदाहरण के तौर पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती तो विल के स्थान पर आप क्या करते, वुड करते, या आपको टेंस भरना होता है इधर आपको विल के स्थान पर वुड दिख जाता तो इफ क्लोज के अंदर आप कौन सा टेंस भरते, पास्ट सिंपल। समझ गए। अब देखते हैं इम्पॉसिबल कंडीशनल। इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस के भी वही दो भाग होंगे, एक तो इफ वाला, इफ क्लोज होगा, और दूसरा जो होगा मेन क्लोज, मेन क्लोज होगा, या इसी को प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इफ वाला भाग जो है उसमें सब्जेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर शेष कुछ रहेगा वो आएगा, फिर इधर भी सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद में क्या होगा, वुड का, वुड, सेल का, शुड, कैन का, कुड और मे का, माइट होगा, और साथ में
इसको परफेक्ट बनाने के लिए हैव का और प्रयोग करेंगे और दी गई वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा, एक बार रिवाइज करते हैं कि ओपन कंडीशनल का इफ क्लोज जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बना होता है, तो उधर सब्जेक्ट के बाद उस प्रिंसिपल क्लोज के अंदर प्रेजेंट फॉर्म के रूप में या प्रेजेंट मॉडल जो है उनको काम में लिया जाता है। इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इफ क्लोज जो है वो पास्ट सिंपल का बना होता है, तो इधर भी मॉडल एक्सिलरी जो है वो पास्ट फॉर्म की लगाई जाती है, यानी पास्ट मॉडल को प्रयोग में लाया जाता है और उनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है। और यदि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उधर क्या करेंगे, वही वुड के साथ है जोड़ना पड़ेगा, सुड के साथ है जोड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने इतने सारे मॉडल बताए कि इनका प्रयोग आपको यहाँ करना है। तो जब मॉडल पढ़ाए जाएं तो आपको ये बात याद रखना चाहिए कि मॉडल का प्रयोग जो है कंडीशनल सेंटेंस में मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज के अंदर सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। तो आप कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर इतने सारे मॉडल अगर आपको दे रखे हैं और आपको कोई एक मॉडल भरना है तो आप एक बात को ध्यान रखिए, अपनी तरफ समझाने के लिए आपको कहा है कि 99% वाक्यों में आपको या तो विल का प्रयोग करना है या वुड का प्रयोग करना है, तो आपका वाक्य जो है 100% सही हो जाएगा। किसी रेयर कंडीशन के अंदर कुछ और मॉडल से मूड दिखाने के लिए बाकी अन्य का प्रयोग करते हैं, लेकिन वाक्य के अर्थ में अलग अलग मॉडल का प्रयोग करने से कोई परिवर्तन नहीं आता है, केवल उस वाक्य का मूड जो है उपयुक्त मॉडल की वजह से वो थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे विल लगाते हैं तो डिटर्मिनेशन की बात हो जाती है, अगर आई के साथ सेल लगा लें तो वो इजी वे के अंदर हो जाती है, उसमें न कोई थ्रेट होती है न कोई चैलेंज होता है, ऐसा माना जाता है। और एक बार एग्जाम के अंदर कई बार क्या आता है के बी वर्ब दे देता है, तो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर अगर वी की हम सेकंड फॉर्म बनाएं तो वो वरी काम में लेनी है, न कि आपको वाज लेनी है। तो याद रखिए, एग्जाम के अंदर जनरली ऐसे शब्द या ऐसी वर्ब पूछ लेता है जिसमें इस तरह से वर आना चाहिए, लेकिन बच्चा जो है सब्जेक्ट सिंगुलर देख के क्या कर देता है, वाज कर देता है, और वी की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या होती है, बीन होती है। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंस में 99% सेंटेंसेस के अंदर हमें विल या वुड से रिलेटेड कंडीशनल सेंटेंस दिखाने के लिए इन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। तो ये केवल समझाने मात्र के लिए इतने मॉडल लिखे गए हैं, जनरली आपको उपयोग करना है, अगर इमेजिनरी हो तो वुड का, और हाइपोथेटिकल कंडीशन हो तो उसमें वुड के साथ हैव का प्रयोग करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। जैसे अब एक इफ क्लोज को देख के हम मैन क्लोज की पूर्ति कर सकते हैं या मैन क्लोज को देख के हम इफ क्लोज की पूर्ति कर सकते हैं, तो उदाहरण लेते हैं। देखे, इफ आई खालिस्तान, बी ये वर्ब दी है, ए किंग कोमा आई खालिस्तान, या सीधा लिख दिया गिव माई किंगडम। देखो क्या कह रहा है, यदि मैं एक राजा होता तो मैं मेरा साम्राज्य दे देता। तो देखो इधर क्या आया है, वुड आया है, ये क्या है, मॉडल है, कौन सा है, पास्ट में है, और यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो इस कंडीशन को इधर देखो, इसमें कंडीशन दी है कि ये साम्राज्य कब देता, जब वो राजा होता। तो देखो मॉडल कौन सा, वुड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कौन से वाला हुआ, मॉडल वुड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कौन सा हुआ, इमेजिनरी कंडीशनल। तो इसका इफ क्लोज को भरना है अपने को, तो इधर क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो बी वर्ब दी है तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्ब। तो यहां आंसर लगा के आपको लिखना होगा क्या, वर्ब। इस प्रकार से तो ये वर्ब को भरवा लेता है। और यदि यहां पर पहले से ही वर्ब लिखी होती सेकंड फॉर्म, जैसे इफ आई वर ए किंग और मॉडल भरवा रहा है तो यहां रिक्त स्थान दे देगा, तो आप इसमें क्या कर सकते,
हो, मॉडल वुड को आप इसमें काम में लेंगे, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म इधर हो तो उधर वुड लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे इफ आई खालिस्तान में वर्ब दी है हैव विंग्स, आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई, फ्लोन इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता, आकाश मेरे पंख होते। तो इधर देखो टेंस पूछ रहा है अगला, तो वुड आया है, हैव आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो देखो वुड है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टेंस आपको फिलिंग करना है। तो इधर देखो क्या होगा, इधर देखो आपको क्या करना होगा, हेड लगाना होगा दी गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने हेड लगा दिया, ये सहायक क्रिया के रूप में। अब हैव की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हेड होती है, तो यहाँ डबल हेड का प्रयोग हो गया। तो वाक्य क्या हुआ, इफ आई हैड हैड विंग्स, यदि मैं काश मेरे पंख होते, आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई, तो मैं आकाश में क्या करता, उड़ता। इस प्रकार से हम कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरते समय अगर कंडीशनल सेंटेंस दे दिया जाए तो हम उसकी वर्ब की पूर्ति कर सकते हैं। और अगर मॉडल से रिलेटेड अगर ब्लैंक्स दे दिए जाए जिसमें एग्जाम में मॉडल भरवाना चाह रहा हो, तो हम एक उपयुक्त मॉडल के बारे में भी लिख सकते हैं, उस मॉडल का उचित जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपका टॉपिक जो है, आज का टॉपिक जो है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके लिए आपको धन्यवाद, और कोशिश करना घर पर इनको एक्टिविटी देख करके पूरा करने की कोशिश करना। 9th की क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में आपके लेसन के पीछे जो मॉडल सॉरी कंडीशनल सेंटेंस के कोई वाक्य हैं, आपको ये टेंस वाले भाग में भी मिल जाएंगे, आपको मॉडल वाले भाग में भी मिल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप घर के ऊपर प्रॉपर तरीके से इनकी स्टडी करें, और इसी आशा के साथ थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।